हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं आप, इसमें काफ़ी हिल डुल रहा हूँ मैं, स्क्रीन काफ़ी हिल रही होगी, आप लोगों को परेशानी होगी देखने पर। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज बहुत ही स्पेशल डे है, क्योंकि आज मम्मी पापा आ रहे हैं सिवान से बहुत दिनों के बाद में, और जब से हमने ये नया घर लिया उसके बाद ये मम्मी पापा फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और जैसे कि एंजल का बर्थडे भी है तो उसके सेलिब्रेशन के लिए अपने, बट प्रॉब्लम ये हो गया है कि ट्रेन हो चुकी है बहुत ही लेट। ट्रेन का टाइमिंग था थाने पहुंचने का 3 या 3:30 बजे के करीब, बट ट्रेन हो गई है बहुत ही लेट, करीब करीब 7-7.5 घंटे लेट चल रही है। और अभी ट्रेन एक्सपेक्टेड टाइमिंग जो है ट्रेन का वो है कुछ 10 बजे के करीब में। तो अभी मैं जस्ट निकला हूँ नाला सोपारा से और अपने घर से, ताकि मैं पहुँच जाऊँ और उनको रिसीव करने जा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ही मतलब अच्छा लगता है मुझे मम्मी पापा को रिसीव करना, या कोई भी आता है उनको रिसीव करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं जा रहा हूँ और मैं आप लोग को बता दूँ कि अभी एक से डेढ़ घंटे में मैं थाने पहुँच जाऊँगा। तो बीच बीच में आप लोगों को दिखाता जाऊँगा कि अभी अभी देखिए, अभी जो हम गुजर रहे हैं ना वो है वसई इंडस्ट्रियल एरिया, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का भी यहाँ पे हब है, लाइक पीटी लाइट और बहुत सारी परफ्यूम्स की कंपनी, लैक्मे, ग्लोरियल, ये सब जो भी कंपनीज़ हैं यहाँ पे, कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी कंपनीज। तो अभी हम इंडस्ट्रियल एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। ये अभी पिछले जो कुछ दिनों में बारिश हुई है, जो देख रहे हैं अभी भी बारिश, अभी आई थिंक आज ही सिर्फ बारिश बन रही है। आप देख पा रहे हैं बाहर रोड पे कितना पानी भरा हुआ है, यहाँ से पानी निकल नहीं पाया, बहुत ज़्यादा पानी। अभी एक्चुअली हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में ही हैं, अभी अभी थोड़ी दूर यहाँ से हाईवे टच हो जाएगा, तो जस्ट 15 से 20 मिनट के बाद हम हाईवे पर आ जाएंगे, तो फिर सफ़र का इतना पता नहीं चलेगा। बस में सफ़र करने का एक मज़ा अलग ही होता है, मतलब ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो रहती है ना उसमें मज़ा आता है सफ़र करने में, और काफ़ी चीप भी रहता है और जल्दी से हम पहुंच भी जाते हैं। तो जैसा बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, ताकि फ्यूल कंजप्शन कम हो और ट्रैफिक्स कम हो, क्योंकि आजकल क्या सब लोग के पास कार्स हैं, बाइक्स हैं, तो मोस्टली लोग उससे ट्रैवल करते हैं। बट मुझे जहाँ तक लगता है तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करता हूँ, और करना भी चाहिए। मतलब अगर कुछ सोचना है देश के बारे में, कुछ अच्छा सोचना है, तो ये भी एक पार्ट है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और जहाँ भी जाना हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएँ, जहाँ तक कन्वीनियंट हो हमारे लिए। अभी यहाँ पे बस बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है, अभी इंडस्ट्रियल, अभी तो मैं हाईवे पे पहुँचा भी नहीं, अभी इंडस्ट्रियल एरिया में ही पूरा लग रहा है ट्रैफिक जाम है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आगे भी पूरा जाम है और पीछे भी पूरा ट्रैफिक जाम है। ये जैसा मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि देखिए पीछे कितना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, अभी ज़्यादा पीछे तक तो दिख भी नहीं रहा, पर फिर भी काफ़ी ट्रैफिक है। बस बहुत ही स्लो चल रही है बस। अभी आप लोग सुन रहे होंगे मेरे पीछे की एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आ रही है, और देखिए बहुत ही मुश्किल बात है, अभी ट्रैफिक में भी वो निकल नहीं पा रही है, और ट्रैफिक में ये चीज़ बहुत, एम्बुलेंस को निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बट क्या है ना कि हम ट्रैफिक है तो उसको अवॉइड तो कर नहीं सकते, बट ये है कि आजकल के लोग मैंने देखा है कि बहुत पहले से तो बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब जैसे ही एम्बुलेंस का सायरन आता है या
दिखाई पड़ती है एम्बुलेंस, तो लोग रास्ता देना शुरू कर देते हैं। मतलब पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोगों में चेंजेस आए हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग अवेयर हुए हैं कि हमें एम्बुलेंस को जगह देनी चाहिए, और आजकल लोग देते भी हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बस में भी कुछ ज़्यादा पैसेंजर्स हैं नहीं, कुछ करीब 22 लोग के करीब हैं, और नहीं तो यही बस अगर थोड़ा और, मतलब मैं पहले आया रहता था तो बहुत ही ज़्यादा खचाखच भरी रहती है बस आने जाने वाली। बट फिर भी टाइमिंग ऐसी है, गवर्नमेंट ने जो रोडवेज की टाइमिंग ऐसी सेट की है, तो वो टाइमिंग बहुत ही अच्छी है, और हर आधे घंटे के बाद आने के लिए बस है, तो इतना दिक्कत का कुछ सामना नहीं करना पड़ता। इजीली बस में सीट भी मिल जाती है और आराम से हम लोग थाने पहुंच जाते हैं। थाने से आना भी इजी है, स्टेशन के जस्ट बाहर ही स्टॉप है। मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को कि बाहर ही स्टॉप है, जस्ट बाहर, बिल्कुल स्टेशन से बाहर निकले वहीं पे बस स्टॉप है। बस डिपो भी कहेंगे, वहाँ पे बस डिपो भी साथ में ही है, तो कुछ आने जाने में कुछ इतनी दिक्कत नहीं होती है। कहीं भी जाने के लिए अगर हम बस से जा रहे हैं या अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, पर हमें बड़े शहरों में खासकर ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है। अभी देखिए, जैसे मैं आप लोगों को पहले बोल रहा था कि मैं 10 से 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, हाईवे टच हो जाऊंगा, बट मुझे नहीं लग रहा है, अभी करीब आधे घंटे से ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। तो हमें कभी भी टाइम का मार्जिन ले कर चलना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक तो कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। हाँ, पर मेरे लिए एक अच्छी बात ये होगी कि जो मेरा टाइम यहाँ पे निकल जाएगा वो मुझे वहाँ पे थाने स्टेशन पे अकेले नहीं बिताना पड़ेगा। यहाँ पे सफ़र में मेरा टाइम निकल जाएगा तो मुझे वहाँ पे कम टाइम बिताना पड़ेगा, तब तक ट्रेन आ जाएगी। तो मेरे लिए ये फ़िलहाल अच्छा है कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, बट मेरे साथ जो कई पैसेंजर्स जा रहे हैं, शायद उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा हो कि किसी ने भी, हो सकता है कहीं आगे जाना हो, ट्रेन पकड़नी हो, तो अभी मैं कुछ इसमें कुछ कह नहीं सकता, तो मेरे लिए तो फ़िलहाल अच्छा है। बस बहुत ही धीरे धीरे चल रही है, आप देख रहे हैं कि बहुत ही टाइम लग रहा है, मुझे यहीं पे आधा घंटा पौना घंटा यहीं पे हो गया, जो कि रास्ता सिर्फ 10 से 15 मिनट का है। और देखिए कब तक पहुंचता हूँ, कब तक मैं हाईवे पे एक बार आ गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, फिर जल्दी जल्दी निकल जाती है बस, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देखिए हाईवे कितनी देर में आता है, अभी बस ने थोड़ा स्पीड पकड़ी है, लग रहा है आगे ट्रैफिक खुल गया, तो अभी हम जल्दी जल्दी हाईवे पर पहुंच जाएंगे। तो गाइज आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग पहुंच गए हैं हाईवे पे, और जो अभी बस की स्पीड है, आप लोग देख रहे होंगे कि बस की स्पीड अभी ऐसी है कि बस हवा से बातें कर रही है, और काफ़ी तेज़ चल रही है बस, तो अब हमें टाइम नहीं लगेगा थाने पहुंचने में, अब जल्दी हम लोग थाने पहुंच जाएंगे। और फिर भी करीब करीब जो ट्रैवलिंग टाइमिंग है वो एक घंटा, यहाँ से एक घंटा है, तो एक घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे, तो करीब करीब मैं 9 या 9:30 तक पहुंच जाऊंगा अगर थोड़ा बहुत ट्रैफिक और हुआ तो। चलिए फिर आज आप लोगों को थाने लेके जा रहा हूँ मैं, तो दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ का स्टेशन और वहाँ की जो भी नज़दीक की लोकेलिटी से, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो आप हाईवे देख रहे हैं ये है मुंबई अहमदाबाद हाईवे, और ये आगे फिर दिल्ली और देश के दूसरे कोनों से कनेक्ट होता है। तो गाइस फाइनली हम लोग थाने सिटी में एंटर कर चुके हैं,
फाइनली गाइस मैं स्टेशन के पास उतर गया हूँ। स्टेशन के पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन खड़ी है और वो बस जो जा रही है उस बस में मैं आया हूँ अभी। तो अभी जस्ट हैप्पी का फ़ोन आया था, बोला कि बहुत अभी ट्रेन का जो करंट जो जहाँ पहुँची है कसारा पहुँची है अभी ट्रेन, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। करीब करीब अभी मैं पहुँच तो गया पर फिर भी मुझे 2 घंटे 7 बजे ली थी मैंने बस और अभी करीब करीब 2.5 घंटे हो गए हैं और इस हिसाब से लगता है कि अभी टाइम मैं तो आ गया, टाइम पे पहुंच गया बट अभी ट्रेन को कुछ भी नहीं तो 1 से 1.5 घंटा भी टाइम लगेगा आने में। चलिए तब तक देखते हैं कुछ ना कुछ, भैया डिनर का टाइम भी हो गया तो कुछ खा लेते हैं। तो गाइस मैं जब भी थाने आता हूँ यहाँ पे किसी को भी रिसीव करने तो मैं यहाँ पे एक शॉप है जस्ट स्टेशन के ऑपोजिट है, मैं आपको अभी दिखाऊँगा, वहाँ पे मैं मिसल पाव ज़रूर खाता हूँ। वहाँ का मिसल पाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप भी जब भी कभी आए यहाँ पे तो ज़रूर वहाँ उस शॉप का मिसल पाव खाएं। तो चलिए चलते हैं मिसल पाव खाने। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे स्टेशन का ब्रिज ये सामने है और यहाँ पे है गजानन वड़ा पाव, आपको दिखाता हूँ गजानन वड़ा पाव। यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा गर्मा गर्म मिसल पाव। यहाँ पे देखिए रश कितना है और ये देखिए भजिया वड़ा पाव बहुत फेमस है यहाँ का। और गर्मा गर्म बारिश का मौसम, देखिए बाहर बारिश अभी होके हटी है और ये भाई साहब अभी वड़ा पाव निकाल रहे हैं, बड़ा बड़ा गरम गरम वड़ा। यहाँ पे बारिश के टाइम में खाने का मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है बट आपको खड़े होके ही खाना पड़ता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब कभी भी आएँ यहाँ पे वड़ा पाव या मिसल पाव ज़रूर खाएँ। अभी आपको दिखाता हूँ ये लोग कैसे सर्व करते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। ये उन्होंने थोड़ा सा भुजिया लिया, ये अभी मिसल पाव सर्व करेंगे मुझे। नीलू अभी गए आलू ले गए, ये देखिए देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। ये पाव, ये प्याज देते हैं कटा हुआ, ये नींबू और ये मिसल, उसल मिसल दोनों मिक्स है। तो ये अभी मैं खाना स्टार्ट करूँ। बहुत टेस्टी। अभी भी आप लोग यहाँ पे आओ तो मिसल पाव ज़रूर खाओ। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं थाने स्टेशन। थाने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं और ये मेरे पीछे लोकल ट्रेन खड़ी है। एक्चुअली इंतज़ार करना बहुत ही मुश्किल होता है पर क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। अभी भी ट्रेन अभी 10 बज रहे हैं और करीब करीब आधा पौना घंटा अभी और भी बता रहे हैं कि ट्रेन आने में टाइम है, तब तक तो वेट करना पड़ेगा। तो डिनर तो हो गया मेरा, भर पेट मिसल पाव इन्जॉय किया हमने, तो वेट करते हैं
फिर जैसे ही ट्रेन आती है फिर मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के लिए चली थी। तो ये वही ठाणे स्टेशन है जहाँ पे पीछे आप मेरे बोर्ड देख रहे हैं, ये ठाणे स्टेशन वही है मुंबई से ठाणे जो पहली ट्रेन चली थी। ये पहला नेटवर्क है हमारे इंडिया का, उसके बाद ही बाकी देश के दूसरे हिस्सों में ट्रेन चलाई गई। चलिए थोड़ा सा व्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ स्टेशन का, प्लेटफॉर्म का। देखिए ये प्लेटफॉर्म है, ये सबसे पुरानी लोकल है, ये सेंट्रल रेलवे के अंडर आती है और ये सेंट्रल लाइन पे चलती है, वेस्टर्न लाइन अलग है। तो ये सब बहुत ही पुरानी ट्रेन है ये। तो फ्रेंड्स अभी 11:26 हो गए हैं और अभी पता चल रहा है कि ट्रेन अभी तक कल्याण में ही खड़ी है, अभी तक आई नहीं है, कल्याण से अभी तक नहीं चली है। अभी ये लगता है कि अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा तभी ट्रेन जाके आएगी कल्याण। हालांकि यहाँ से सिर्फ 15-20 मिनट का ही रास्ता है, मतलब अगर 15-20 मिनट भी जोड़ा जाए तो फिर 12:15 होते हैं, 12:15 या 12:00 के करीब ट्रेन आएगी। अभी ये बहुत ही मुश्किल हो गया, मैं 9:00 का आया हूँ और 3 घंटे तो मुझे ही हो गए हैं खड़े हुए यहाँ पे। लेट्स सी, देखते हैं, अभी तो क्या वेट ही कर सकता हूँ मैं, और तो कुछ कोई चारा नहीं है। होप सो जल्दी ट्रेन आए। तो फाइनली ट्रेन आ चुकी है और देखते हैं, चलिए अभी तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं, अभी पहले उन लोगों को पिक कर लूँ फिर देखते हैं। चलिए ठीक है, फाइनली पहुंच गए झूला और थोड़ा दिन।